मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज लाहौल घाटी के भारी वर्षा व बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। खराब मौसम के कारण उनका चॉपर रोहतांग से आगे नहीं जा सका और वापस मनाली के साथ से हेलीपैड पर उतरा। वहां से मुख्यमंत्री शाम को लाहौल घाटी के लिए सड़क मार्ग द्वारा रवाना हुए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में वर्षा से जान माल को भारी नुकसान हुआ है और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। अभी जो हालात हैं वहाँ लाहौल के, उसके मुताबिक जो 10 लोग के बहने की जो आशंका थी उसमें से 7 लोगों के शव तो बरामद हो गए हैं, लेकिन 3 लोग अभी तक भी रिकवर नहीं हो पाए। 3 लोगों की जानकारी अभी तक मिल नहीं पाई है। इसके अतिरिक्त तो बाकी सभी लोग जो वहाँ पर स्टैंडर्ड हैं, जो फंसे हुए हैं, वो सब सुरक्षित हैं और उनको इवैक्यूएट करने के लिए वहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं उनको आज शाम तक जालमा तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं, सभी ठीक तरह से हैं। गांव के लोगों ने भी कोऑपरेट किया, गवर्नमेंट के हमारे सारे ऑफिसर्स ने भी वहाँ पर उनको पूरी तरह से कोऑपरेट किया है। लाहौल घाटी पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शानशाह नाले में क्षतिग्रस्त हुए पुल और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने तोजिंग नाले का भी दौरा किया और घाटी में फंसे लोगों से बातचीत की।